नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एंड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 73-74 प्रश्न पत्र 1995 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट रहेगा, जिसमें पहली गति 80 शब्द प्रति मिनट की और दूसरी गति 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसानों को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं, बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह
शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। अब हम 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन की शुरुआत करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय इस देश के किसानों को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ से और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। श्रीमान, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है, जहां तक मुझे मालूम है कि वहां किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। वहां के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं
माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।